तो भाई टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन। और इसमें क्या है, सिंबल्स पहले पता होना चाहिए। ये तमाम जो सिंबल्स हैं, एफ इनवर्स एक्स, जी इनवर्स एक्स, एच इनवर्स एक्स, चाहे ये कैपिटल लेटर में हो, ये स्मॉल लेटर में हो, या ये विदाउट एक्स हो, ऑल आर सिंबल्स यू विल बी यूज इन एज एज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये लास्ट वाले में एक्स नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है आपके पास अगर, लेकिन ये भी इनवर्स की सिंबल है। दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ एंड एच इनवर्स। एक्स हो या ना हो, नो इश्यू। ठीक है बेटे, स्टेप्स इसके दिया था, थ्री स्टेप्स। अच्छा, टाइप वन और टाइप टू हमारे पास सवाल होते हैं असल में ना, तो टाइप वन और टाइप टू में क्या फर्क है, उससे पहले पहले हम इन स्टेप्स पढ़ लें, फिर बताएंगे टाइप टू वन और टाइप टू में क्या फर्क है। स्टेप नंबर वन, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। एफ ऑफ एक्स को हटाएं और वाई लगाएं, राइट एक्स एज अ सब्जेक्ट, रिप्लेस एक्स विद एफ इनवर्स वाई। इसको वन बाय वन सवाल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आएगा। करते हैं सवाल। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल, दिस इज टाइप वन क्वेश्चन। हाँ, टाइप वन क्वेश्चन और टाइप टू में फर्क क्या है, सुनिए गौर से। ये तो टाइप वन है ना, टाइप टू क्वेश्चन कैसे होंगे वो इस तरह से होंगे। एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक्स है और डिनोमिनेटर में भी एक्स है। तो दिस इज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टाइप टू क्वेश्चन फॉर एफ इनवर्स। आई बात समझ में आप लोगों को, बड़े समझ में आई क्या फर्क है टाइप वन टाइप टू में है मिलता। टाइप वन में क्या होगा, खाली आपके पास जो है ना इस तरह की फ्रैक्शन होगी, न्यूमरेटर में एक्स नहीं होगा, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं होगा। टाइप टू में डिनोमिनेटर में एक्स होगा। चलो ये प्रैक्टिस सही कराऊंगा तो आप देख लेना। अभी फिलहाल ना, फिलहाल ये है कि भाई ये हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ये टाइप वन क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, कोई एक्स नहीं है, वन है बेसिकली, और एक कोई नंबर है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या है भाई स्टेप नंबर वन क्या है, कोई बताएगा जरा जल्दी से। रिप्लेस एफ एक्स विथ वाई। रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, ये हमारे पास है एस वन, यानी कि स्टेप नंबर वन क्या है कि रिप्लेस, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, एफ ऑफ एक्स विद वाई। क्या हुआ भाई, वाई क्या हो गया, वाई वाई हो गया ना, एफ ऑफ एक्स हट गया, वाई इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस थ्री। बताइए कोई कन्फ्यूजन नहीं नहीं, तो वाई लिखिएगा, एफ नहीं लिखिएगा आप, ठीक है ना। स्टेप नंबर वन के बाद जनाब आइए स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू इज मेक योर राइट एक्स एज अ सब्जेक्ट, और मेक, ठीक है ना, राइट और मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट या इन टर्म ऑफ वाई। तो अगर हम एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपने भी बना दिया होगा जैसे, सब लोग उसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिक्स एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री हो जाएगा जनाब, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस थ्री ओवर टू, ऐसे ही है, ओवर सिक्स। एक्स सब्जेक्ट बन गया, राइट साइड पे कर लीजिए, वैसे तो मेंटली आराम से कर लेते हैं, ये थोड़ा मैंने लंबा कर दिया है, कोई मसला तो नहीं है भाई इसमें किसी को। एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन सिक्स, मसला तो नहीं बन जा। ऑल नहीं राइट, फिर कौन सा स्टेप है भाई, फिर कौन सा स्टेप है, पढ़िए स्टेप नंबर थ्री जोर से, स्टेप थ्री पढ़िएगा। रिप्लेस एक्स विद एफ इनवर्स वन वाई। रिप्लेस एक्स विद एफ इनवर्स वाई। ये बेटे ये माइनस वन जो है ना, ये इनवर्स के सिंबल है, हाँ ठीक ठीक है। तो है। रीड एफ इनवर्स, एफ माइनस वन नहीं पढ़िए, रीड एफ इनवर्स वाई। क्या मतलब है, एक्स को हटाइए, एक्स को हटाइए, और एक्स की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एफ इनवर्स वाई लिख देना है, ऐसे ही मतलब इसको, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, उसने हमसे ये कहा था कि आप एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करिए, हमने एफ इनवर्स वाई निकाला, आपसे क्या कहा था उसने, एफ इनवर्स एक्स देखिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, जो भी डोमेन है ना, डोमेन डोमेन को आपने चेंज कर देना है, डोमेन को आप चेंज कर देंगे तो आपके पास एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। कैसे होगा सुनिए और से, एफ इनवर्स ये रहा, जहां जहां पर वाई है उसको आप एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, जहां जहां पर वाई है उसको आप एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो नाउ इट इज एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास हो गया जनाब फुल फ्लैश इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व। ऑल राइट, जहां वाई उसको एक्स में कन्वर्ट कर दें। हाँ, वो ये पहला रूल नहीं था, हमने जो पहली क्लास में किया था डोमेन चेंज करने वाला, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको कहा था ना, अगर इसको आप चेंज करेंगे तो इसको ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आगे जितने भी वाई हैं। ओके, अगली बात समझ में या नहीं, ठीक है, जी। कन्फ्यूजन कोई नहीं नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर टू, मैं हाँ कॉपी कर लूँ एक सेकंड। श्योर, कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू है, एग्जाम्पल नंबर टू, और ये एग्जाम्पल नंबर टू जो हमने उठाई है टाइप वन की, क्योंकि टाइप वन टाइप टू में क्या फर्क है, आयशा बता सकती है मुझे आप, टाइप वन टाइप टू में क्या फर्क, टाइप टू में डिनोमिनेटर में भी एक्स आएगा। टाइप टू में डिनोमिनेटर में भी एक्स आएगा। अगर यहाँ पर मैं नीचे डिनोमिनेटर में एक्स लगा दूँ तो ये टाइप टू हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है, फाइव है खाली। डिनोमिनेटर में अगर नंबर होगा ना तो वो क्या होगा, टाइप वन होगा। ऑल राइट, नंबर होगा या वन होगा या कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा, टाइप वन होगा। ये डिनोमिनेटर में भी फाइव है। ऑल राइट,
तो करेंगे क्या भाई, सवाल को हम कॉपी कर रहे हैं। मिंजा फोकस करिए, शुरू कर दिया क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना। मिंजा रूल नंबर स्टेप नंबर वन बताइए प्लीज। रिप्लेस करना है fx with y। ऑलराइट, रिप्लेस आई एम गोइंग टू राइट, लिख भी रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करो ना तो याद भी रहेगा बच्चों को। रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स को हटाया, रिप्लेस मतलब हटा के रखना, तो वाई कर दिया आपने, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लगा दिया नीचे, वाई इक्वल्स टू 4x+3। बेटे फटाफट दूसरा स्टेप बताओ, एक्स एज सब्जेक्ट लिखना है, मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, ये स्टेप नंबर वन था हमारा। ये स्टेप नंबर टू, मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, ओके, मेक एक्स एज अ सब्जेक्ट, तो ठीक है भाई इसको सब्जेक्ट बना लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्टेप में हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 5y is equal to 4x+3 हो जाएगा भाई, और इसके बाद 4x equal to हो जाएगा जनाब 5y-3, 4x equals to 5y-3, ठीक है, मेंटली कर दिया, एक स्टेप मिस कर दिया मैंने, चलेगा, एक स्टेप मिस कर दिया मिंजा, चलेगा जी, ओके, 5y-3 upon x, x सब्जेक्ट बन गया या नहीं बना बताइए, बन गया। Alright, 5y-3. इसको हम कहेंगे make x as a subject भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई write x in terms of y, ठीक है, ये भी एक, दोनों बातें हम कह सकते हैं, write x in terms of y, ये दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई, step number 3 जरा बता सकती हैं आप मुझे? Replace x with f inverse y. Replace x with f inverse of y. Alright, x को हटाइए और f inverse y लगा दीजिए यहाँ पे, सिंपल, क्या हुआ भाई, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू 5y-3/4, सही है, यही आगे कोई स्टेप करेंगे या आंसर यही है जी, वाई को एक्स से रिप्लेस, वाई को एक्स से रिप्लेस क्यों करेंगे हम, क्योंकि एक्स निकालना है, एग्जैक्टली, जहां यहां पर आपके पास ये दिया हुआ है वाई, इसको हटा के इसकी जगह एक्स लगा दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है एफ इनवर्स एक्स चाहिए आपको, तो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द डोमेन, आपको सब जगह के डोमेन को चेंज करना पड़ेगा 5x-3/4, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, तो जनाब यह हो गया आपका फाइनल फाइनल आंसर, ओके, समझ में आया होगा आई होप आपको जी।